अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। न्यू सब्सक्राइबर्स को हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट। पोस्ट वर्कआउट में आपको आफ्टर योर वर्कआउट आपको कौन सा सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए जिससे आपके मसल्स रिकवरी में जो फास्टर रिकवरी होगी और जो आपका जो ओवरऑल आपका टारगेट है, जो एम है, गेन मसल मास, गेन मसल मास और बिल्ड मसल्स, वो आप उसको एज सून एज, यानी कि उसका रिकवरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सके जल्द से जल्द, उसके लिए आपको कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करना चाहिए, तो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, आपके सामने कुछ सप्लीमेंट्स पड़े हैं। वे प्रोटीन, जिसमें से एक है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का, जो यूएसए का जो ब्रांड है उसका वे प्रोटीन है। यूएसए का काफ़ी ये पॉपुलर ब्रांड है। इसके साथ दूसरा है पीएचटी का वे प्रोटीन है, पीएचटी फार्मा वे प्रोटीन। ये पीएचटी ब्रांड जो है ये यूके से है, वो यूएसए का ही यूके। तो दोनों ही बहुत अच्छे प्रोटीन हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो आजकल भी मैं ये पीएचटी का यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रोटीन काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन तो है प्रोटीन की, जो वे प्रोटीन में जो रैंकिंग में आता है ब्रांड में, उसका तो एक नाम है ही, लेकिन पीएचटी भी बहरहाल एक काफ़ी अच्छा इसका प्रोटीन है, काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो आज इस टॉपिक में हम बात करते हैं कि वे प्रोटीन जो है इसको आपने कितना कंज्यूम करना है, कब लेना है, और मतलब इसका सर्विंग साइज़, जो भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपसे मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि जो बिगेनर्स हैं खासकर उनके लिए, कि वे प्रोटीन जब वो लेते हैं उनको कितना यूज़ करना चाहिए, कि जितना उनके लिए इफ़ेक्टिव है, कि वो ये नहीं कि वो एक्स्ट्रा यूज़ करें अपना जो वे प्रोटीन वेस्ट कर रहे हों, तो वेस्ट ऑफ मनी, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना। तो वे प्रोटीन जो है बेसिकली ये बनता है मिल्क से, बना है वे प्रोटीन। मिल्क हैज़ टू प्रोटीन्स एक्चुअली, कैसिन प्रोटीन एंड द सेकंड वन इज़ वे प्रोटीन। कैसिन प्रोटीन एक दूसरा टॉपिक है, उस पर फिर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है वे प्रोटीन के बारे में। तो वे प्रोटीन जो है ये मिल्क से बनता है। इसको आपने आफ्टर योर वर्कआउट, अगर आप बिगेनर लेवल पे हैं तो आपने इसको ऐड करना है वे प्रोटीन का जो है वन स्कूप आपने जो वे प्रोटीन को ऐड करना है इन वाटर में, आपने कोल्ड वाटर ले लें, उसमें आप मिक्स करके वन स्कूप ऐड करेंगे। अगर आपने जिम स्टार्ट किया, अभी आपको कोई हफ्ता दो हफ्ते हुए हैं, मतलब अभी आपने स्टार्टिंग किया, आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, अगर मतलब आपको जिम जाते हुए 6 महीने 8 महीने अराउंड 1 ईयर आपको टाइम हो गया है जिम जाते हुए, तो अब आप इसमें जो प्रोटीन का जो रिकमेंडेशन है वो आप ऐड करेंगे 1.5 स्कूप, यानी 1 फुल स्कूप और 1.5 आप उसमें स्कूप ऐड करेंगे। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, मसल आपके मेच्योर हैं, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन आपके जो मसल हैं उनकी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हाई है, तो वो मतलब जल्दी प्रोटीन एब्जॉर्ब करते हैं और हैवी अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, देन यू कैन हैव 2 होल स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन ईजीली। लेना आपने पानी में, मिल्क में नहीं लेना, उसकी रीज़न क्या है ये भी बता देता हूँ। बेसिकली जो वे प्रोटीन है ये है फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन, जबकि कैसिन प्रोटीन है स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो आफ्टर योर वर्कआउट यू नीड अ फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन, तो इसीलिए हम वे प्रोटीन लेते हैं कि हम उसको जल्द से जल्द इसकी मतलब हमारे मसल्स जो हैं उसके रिपेयर हों, रिकवरी फास्टर हो, जल्द से जल्द हमारे मसल की रिकवरी हो, इसीलिए हम वे प्रोटीन लेते हैं।
तो जो मिल्क है उसमें ऑलमोस्ट 80% तो कैसीन है, 20% अराउंड 15 to 20% उसमें कैसीन है, सॉरी वे प्रोटीन है, 80% कैसीन है। तो वे प्रोटीन हमने लेना है और उसको अगर हम मिल्क में ऐड कर लेंगे तो मिल्क है ऑलरेडी 80% कैसीन, तो फास्ट डाइजेस्टिंग का जो था एक कॉन्सेप्ट वो तो हमने उधर ही ख़त्म कर दिया जब हमने मिल्क में ऐड कर दिया। तो मिल्क में हमने इसको ऐड नहीं करना, हमने इसको ऐड करना है वाटर में। वाटर ले लें, कोल्ड वाटर, अगर विंटर सीज़न है तो फिर आप नॉर्मल ले लें, वैसे अगर समर में तो कोल्ड ही लेंगे, थोड़ा तो अच्छा उसका मिक्सिंग हो जाती है टेस्ट वगैरह और अच्छा बन जाता है। तो पानी में आपने इसको ऐड करना है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसका जो वे प्रोटीन है इसका स्कूप साइज़ कितना है। ये भी हर किसी ब्रांड पे डिपेंड करता है, कोई ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का है तो इसका स्कूप साइज़ जो है वे प्रोटीन का वन स्कूप साइज ये है 31 ग्राम। ये स्कूप आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर, ब्लैक बॉक्स या ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का इस पर स्कूप रखा हुआ है, ये 31 ग्राम का स्कूप है इसका। 31 ग्राम स्कूप अगर आप इसको फिल करके ऐड करते हैं अपने शेकर में तो 31 ग्राम्स में से आपको ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है 24 ग्राम, विच इज़ अ गुड ऑप्शन, ऑलमोस्ट अराउंड 77-78% गुड ऑप्शन। 3 ग्राम तो कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, 1 ग्राम शुगर है, इट्स वेरी लो, नो प्रॉब्लम। 1 ग्राम शुगर ना होने के बराबर ही समझ नहीं, एंड 1 ग्राम फैट है, ये भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 24 ग्राम में प्रोटीन मिलेगा एक स्कूप अगर आप ऐड करते हैं। अब वन एंड हाफ स्कूप ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हैं अगर आप, तो फिर आप इसको 1.5 स्कूप ऐड करेंगे, मतलब 24 + 12 36 ग्राम प्रोटीन हो जाएगा। इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो 36 ग्राम तक एब्जॉर्प्शन हो जाती है। कुल 6 महीने 8 महीने आपको जिम में हो गए हैं तो मसल्स को इतना तो हो जाता है एब्जॉर्प्शन का ना, एक सर्कुलेशन बन जाती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप एडवांस लेवल पे हैं 48 ग्राम बन जाएगा, डबल स्कूप ऐड करके 24 + 24 48 ग्राम प्रोटीन। अगर आप इंटर ये हो गया दो स्कूप अगर आप ऐड करते हैं तो 48 ग्राम प्रोटीन बन जाएगा। तो 48 ग्राम प्रोटीन जो है वो ये 3 to 5 years ऑलमोस्ट 3 to + or 5 years और मोर देन, अब 10 साल हो गए, 15 साल जितना हो गए, 2 स्कूप तक जाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं जाएंगे इसमें, 3 स्कूप या 4 स्कूप एक टाइम पे। आप स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं लेकिन बेस्ट तो इसका ऑप्शन यही है जो इसका टाइम है आफ्टर योर वर्कआउट, बेस्ट ऑप्शन टू हैव कंज्यूम वे प्रोटीन। तो 2 स्कूप आप इसमें ऐड करेंगे अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, एडवांस लेवल के अगर आप हाई किस्म का तो एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी उसको कर लेगी। लेकिन अब अगर आप बिगेनर लेवल पे हैं और आप 2 स्कूप ऐड कर लेते हैं कि भाई मेरे ट्रेनर ने तो कहा है कि आप 2 स्कूप ऐड करो, तो आप फिर ये है कि यू आर वेस्टिंग योर प्रोटीन, जो 24 ग्राम है वो आपकी बॉडी जो है एब्जॉर्ब करेगी, डाइजेस्ट होगा, 24 ग्राम जो है वो आपके मसल में ही जाएगा, वो आपके स्टमक में जाएगा। और मतलब ऐसे ही है जिस तरह आपने ये है ना, इसमें एक वनीला फ्लेवर, एक है इसमें चॉकलेट फ्लेवर, जैसे आप चॉकलेट कोई आप जूस पी रहे हैं या कोई चॉकलेट्स आप खा रहे हैं वो एज अ जूस ही हो गया, यानी कि वो उसका प्रोटीन आपका मसल में जाना वो मुश्किल है। तो हो सकता है 30 तक चला जाए तो बाकी 18 ग्राम प्रोटीन वेस्ट कर रहे हैं आप, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 1 ग्राम स्टार्ट, 1 स्कूप से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने 3 महीने 6 महीने बोलते हैं, फिर आप 1.5 पे रहें, फिर आप उसको चलाते रहें 3 साल तक आपके मसल्स। लेकिन इसमें शर्त यह है कि आप कंसिस्टेंटली आप जिम कर रहे हैं, इसमें कोई गैप नहीं आ रहा, तो फिर आप उसको कंटिन्यू करें, पीते रहें आप साथ साथ, यानी कि मतलब 1.5 स्कूप से आप लगातार आप 3 साल हो गए आपको, फिर आप उसको 2 पे ले जाएं, तो 2 मैक्सिमम है आपको, 10 साल भी हो गए तो 2 स्कूप से इससे ज़्यादा नहीं लें आप, 2.5 है। तो ये हो गया ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का। अब बात करते हैं पीएचडी के, पीएचडी वे प्रोटीन। पीएचडी वे प्रोटीन जो है इसका जो स्कूप है ये ऑप्टिमम न्यूट्रिशन से स्कूप का साइज़ जो है ना 7 साइज वो थोड़ा सा कम है, वो 31 ग्राम प्रोटीन था उसमें एक स्कूप, मतलब 31 ग्राम स्कूप का साइज़ था, 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाता है। इसके स्कूप का साइज़ है 25 ग्राम इसका स्कूप का साइज़ है,
25 ग्राम, जिसमें से आपको 18.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसमें यह है कि फैट जो है 1.5 ग्राम फैट मिलता है आपको, ऑलमोस्ट 3 ग्राम ही आपको उसमें वो मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ये है कि इसमें थोड़ा सा मतलब 0.5 या 1 ग्राम फैट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसका स्कूप साइज़ कम है। तो इसमें अब यह है कि आप अगर आप स्टार्ट भी आपने अगर जिम किया है तो आप तो स्टार्ट में भी जो 1 स्कूप आप लेते हैं 19.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, अगर आप 1.5 लेते हैं तो आपको 27 ग्राम प्रोटीन तक मिल जाता है। तो बिगिनर लेवल पे अगर आप हैं 1.5 भी अब ऐड कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। असल में बात ये नहीं होती कि स्कूप आप 1 ग्राम स्कूप ले रहे हैं या 1.5 ले रहे हैं, 2 स्कूप ले रहे हैं, असल में बात ये प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है ये आपने देखना है। प्रोटीन बिगिनर लेवल पे आप अगर हैं तो 30 ग्राम प्रोटीन से ज़्यादा आप एक टाइम पे ना लें, चाहे वो आप सप्लीमेंट से ले रहे हैं चाहे वो आप अपनी डाइट से ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप तो इसको जो 30 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा बॉडी में, तो वो फ़ायदा कोई नहीं, प्रोटीन भी वेस्ट, मनी भी वेस्ट, तो टाइम भी वेस्ट, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप आपने, तो इसमें ये 1.5 स्कूप आप ले सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आप फुल 2 स्कूप कर सकते हैं, 2 स्कूप में इसमें आपको मिल जाएगा 37 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। एडवांस लेवल पे हैं तो आप इसमें 2 प्लस, जितना मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का जो प्रोटीन है उसमें आपने 2 स्कूप से ज़्यादा ऐड नहीं करना, लेकिन इसमें आप 2 प्लस भी कर सकते हैं अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, क्योंकि 37 वो 2 स्कूप्स आप लेते हैं तो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के उसमें आपको 48 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसकी आप 2 स्कूप्स लेते हैं तो इसमें आपको 37 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 37 मतलब 11 ग्राम का डिफरेंस है, मतलब 48 तक एडवांस लेवल पे आप चाहें ले सकते हैं। तो मतलब 2.5 की अगर आप ले लेते हैं ये बोला एडवांस लेवल पे तो नो प्रॉब्लम। नॉर्मली आप 2 स्कूप्स भी लेते हैं, अगर आपको 5-6 महीने हो गए हैं जिम जाते हुए, 2 स्कूप्स लेते हैं PST के तो इनफ है। और इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है उसमें आप 1.5 स्कूप ऐड करें, इनफ है। तो ये है जी वे प्रोटीन। इसके साथ एक और सप्लीमेंट है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं, और प्रोटीन का जो एक्सपेंस है वे प्रोटीन का उसके अगर कंपैरिजन करें तो उसकी नस्बत काफ़ी सस्ता है प्राइस में, वो है जी क्रिएटिन, क्रिएटिन सप्लीमेंट। PHD का ही ब्रांड है, इसमें भी ब्रांड्स आते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का ब्रांड होता है, काफ़ी ब्रांड है इसमें, अल्टीमेट न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, GM न्यूट्रिशन, इसमें काफ़ी मतलब ब्रांड्स हैं, ये USA के बहुत ब्रांड्स हैं। ब्रांड डजेंट मैटर, क्वालिटी जो उसका देखना है आपने, इन्ग्रीडियंट्स चेक करने हैं उसके, उसके अंदर क्वान्टिटी देखनी है। 5 ग्राम साइज़ होता है नॉर्मली इसमें, और 5 ग्राम उसमें आपको क्रिएटिन मिल जाता है। तो मेरे पास PHD का क्रिएटिन है, इससे पहले मैंने दूसरा भी यूज़ किया है, पर PHD का क्रिएटिन, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। क्रिएटिन क्रिएटिन जो होना चाहिए वो माइक्रोनाइज्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। आजकल मार्केट में काफ़ी सप्लीमेंट्स आ गए हैं क्रिएटिन में जो डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन आपने जो सिलेक्शन करनी है वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लेना है, ये आपने चेक कर लेना है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बेस्ट सप्लीमेंट इन द मार्केट, तो ये आपने ऐड करना है इसमें 5 ग्राम, इसमें आपने इसका स्कूप 5 ग्राम का स्कूप होता है, इसमें स्मॉल स्कूप है। 5 ग्राम आपने जब आपने अपना पोस्ट वर्कआउट, जब अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद पोस्ट वर्कआउट शेक लेना है, प्रोटीन आपने ऐड करना है उसके साथ, आपने 5 ग्राम क्रिएटिन वो भी आपने ऐड कर लेना है उसमें, शेकर में वाटर में मिक्स करके वो आपने पी लेना है। क्रिएटिन से होगा क्या ये, अब प्रोटीन का तो सबने सुना है भी, प्रोटीन से मसल्स बिल्ड होते हैं, प्रोटीन जो नेसेसरी पार्ट जो भी अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बनता है, 9 एसेंशियल, फिर उसमें प्रोटीन में जो 3 एसिड होते हैं BCAA ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड हर प्रोटीन में होंगे, तो 24 ग्राम प्रोटीन है, 5.5 ग्राम आपको BCAA मिल जाता है, इसी तरह ये 18.5 ग्राम प्रोटीन है, इसमें भी ऑलमोस्ट आपको 4 ग्राम प्रोटीन,
तो BCAA है बेसिकली ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, इसमें तीन होते हैं अमीनो एसिड्स असेंशियल हैं, ये ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन। ल्यूसीन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ये मसल्स को रिपेयर करता है और ब्रेकडाउन से रोकता है और जल्द से जल्द आपको फास्ट रिकवरी में हेल्प करता है। तो ये होता है BCAA, ये प्रोटीन में होता है। तो ये आपने प्रोटीन के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन सुनी होगी। क्रिएटिन मोस्टली लोगों को नहीं पता होता क्रिएटिन क्या है। तो क्रिएटिन जो है बेसिकली ये आप अगर बल्किंग कर रहे हैं मैस गेन, मसल मास, फैट नहीं, फैट की बात नहीं हो रही, फैट गेन या वेट गेन की बात नहीं हो रही, मसल मास जो है वो आपने अगर गेन करना है, यानी कि आपने अपने इंक्रीज करनी है अपनी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस लेवल, और आपने अपना जो आपका स्टेमिना, ओवरऑल फोकस, और मतलब जो भी ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस है ना जिम में, वो आपने उसको इंक्रीज करना है अगर, तो उसके लिए क्रिएटिन जो है ये बेस्ट सप्लीमेंट है। पोस्ट वर्कआउट में आप वे प्रोटीन के साथ इसको ऐड करें, आप इसको यूज़ करके देखें। ये आपको 2-3 हफ्ते बहुत दूर की बात है, ये आप जब आप इसको यूज़ करेंगे 3 दिन या 4 दिन में आपको ना एक स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आप यू विल फील, आप खुद फील करेंगे जब आप वेट लगाएंगे, हैवी वेट आपको अपनी हैवी किस्म की ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद जब आप मसल ब्रेक डाउन करते हैं तो मसल ब्रेक डाउन हुए होते हैं उसमें जब आप वे प्रोटीन के साथ उसको ऐड करेंगे तो ये आपके मसल में जाके स्टोर हो जाएगा क्रिएटिन प्रोटीन के साथ। नेक्स्ट डे जब आप जिम करेंगे तो आपके मसल में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होगी, तो उसके साथ फिर आप हैवी वेट पर जा सकते हैं। तो क्रिएटिन का फ़ायदा एक ये भी होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप 40 kg का बेंच प्रेस लगा रहे हैं, 40 kg का, तो उसके साथ आप निकालते हैं 6 रेप्स आप निकालते हैं 40 kg बेंच प्रेस के साथ, तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट अपने अगर ऐड करते हैं, प्री वर्कआउट में भी इसे ले सकते हैं आप, प्री वर्कआउट में भी यूज़ किया जा सकता है, पोस्ट में भी किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन है मैं कि ए आप इसको पोस्ट वर्कआउट में ही लें अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो, फिर आप प्री में भी लेंगे 5 ग्राम, पोस्ट में देखो 10 ग्राम हो जाएगा, तो स्टार्ट में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 5 ग्राम आप लें इसको पोस्ट वर्कआउट में ही लें बेस्ट है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने 6 रैप्स लगा रहे हैं अगर आप 40 kg बेंच प्रेस से, अगर आपने क्रिएटिन लिया होगा आप नेक्स्ट डे जब जिम करेंगे तो 6 की बजाय आप 8 रैप्स लगा लेंगे, 2 increase, 2 reps सेम वेट, यानी आप 40 kg का बेंच प्रेस लगा रहे हैं आप 6 reps लगा के थक जाते हैं आप और आपसे नहीं लगते, तो उसी वेट में आप 8 reps लगा लेंगे, 2 extra पुशअप आप लगा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20 पुशअप लगाते हैं, 20 से ज़्यादा आपसे लगते नहीं हैं, तो ये आप मिल गया होगा तो आप 22-25 मे बी 30 यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। तो क्रिएटिन का ये फ़ायदा है, तो ये वे प्रोटीन के साथ ऐड करें काफ़ी अच्छे से आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ भी बहुत जल्द हाजिर होंगे, नेक्स्ट वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा, प्री वर्कआउट के बारे में वीडियो आएगी, फिर इंट्रा वर्कआउट जो ड्यूरिंग वर्कआउट आप जो कर रहे हैं जिम उसमें क्या लेना चाहिए, और ये तो था ना पोस्ट वर्कआउट सप्लीमेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगी आगे उसमें एक ये टॉपिक होगा कि अगर जो सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते जो लोग, वो क्या करें, रिप्लेसमेंट फूड, जो वे प्रोटीन है उसकी जो मतलब सप्लीमेंट की रिप्लेसमेंट जो फूड है, तो बताएंगे कि कौन सी फूड लेनी चाहिए जो बेस्ट है कि मतलब जल्द से जल्द वो आपको रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं।